आकाशवाणी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ईशानी वर्मा। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबर। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका गुस्सा उफान चढ़ेगा और खून खौल उठेगा, जहां 4 वर्षीय बच्चे के साथ 19 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया है। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता आशीष कुमार सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। छातापुर थाना क्षेत्र के कटहरा पंचायत से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो शर्मसार कर देने वाली है, जहां एक मासूम बच्ची के साथ उसे पढ़ाने वाले शिक्षक ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मामला छातापुर थाना क्षेत्र के कटहरा वार्ड संख्या 9 की है, जहां ट्यूशन पढ़ने गई एक छोटी सी बच्चे के साथ तथाकथित शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन संचालक 19 वर्षीय मनीष कुमार के द्वारा बच्ची को बहला फुसला कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि शुक्रवार की सुबह अन्य दिनों की भांति बच्ची मनीष कुमार के पास ट्यूशन पढ़ने गई थी। छुट्टी होने के बाद वह 9 बजे रोते बिलखते हुए घर पहुंची। रोने का कारण पूछने पर उसने शिक्षक के द्वारा मारपीट करने की बात कही, जिस पर उन्होंने बच्ची को चुप कराते शांत कर दिया। वहीं जब बच्ची को स्नान करवाने के लिए उसके कपड़े उतारे गए तो नाजुक अंगों पर खून के धब्बे पाए गए, जिस पर घर वाले अचंभित होकर बच्ची से पूछे तो बच्ची ने पूरी घटना बताई। वो बेटे हमरो लागते हमारे जे पोती का लागती है या थी चाचा लागती है। हमें क्यों गलिए बच्चा के, हमारे बच्चा के नाना करता है तो बच्चा के भेज दिए, कहिए जाए छे तो टबो के आदत सीखते न तो भेज दिए। ई घटना करलक तो शुक्र दिन ई घटना 8 बजे के छे, 8 बजे अल तो कानो ले ले उन्ने से तो हमें गाय दुहल जा रही है। तो हम कहलिए कि भला बाबू, तो कहे छे कि से मारे अंकल मारे। तो हम कहलिए कि मारलको ना अंकल, तो अच्छा रह जाए छे दूध ले जेबे ना तो अंकल के कहबे। तो हम कहे रे मनीष, आज तू किया छोरी के मारली, ओकरा कहि देलिए ना। इतना बात कह के दूध ले लेलिए चल अलिए। ते ओकर मम्मी जो लहबै ले जाए लागल तो पेंट में खून रह लागल, तो कहे छे कि मोर पेंट में गे अनन्या ई खून लागल छौ, नाम छे आरोही, तो दुलार से अनन्या अनन्या कहिए। तो कहे छे कि से आब ई बतेबे नहि करे, नहि बतबै रहै तो हमें कहलिए कि कोई बात नहि, नहि बतबै छै तू एकरा पटिया के पूछ। ई जब पटिया के पूछलकै ओकरा तब कहे छे कि मनीष अंकल हमरा ऐसे ऐसे किया हमर पुतो, ओकरा फोन करे लाले मनीष के। तो एक बेर उठेलकै तऽ कहलकै आते है, ओहिके बाद फोन करे तऽ नहि है, नहि हमर आदमी छै घर पर, नहि बेटा रहै घर पर, काल्हि बेटा अयलै यऽ तब ई घटना अपन एते ओते कैलकै। वही बच्ची की माँ के द्वारा रविवार को घटना की जानकारी छातापुर थाना पुलिस को दे दी जा चुकी है। सूचना के तत्काल बाद प्रभारी थाना अध्यक्ष आजाद लाल मंडल दल बल के साथ कटहरा पहुंची और पीड़िता की मां से आवश्यक जानकारी लेने के बाद आरोपी ट्यूशन संचालक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि जो लड़का ट्यूशन पढ़ाता था वो इंटर का छात्र है और पिछले वर्ष वो अच्छे नंबर के साथ मैट्रिक परीक्षा पास किया था। घर पर ही रहकर खुद तैयारी करता था और छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाता था। वही दुष्कर्म की शिकार बच्ची को महिला पुलिस की अभिरक्षा में थाना लाया गया। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पीड़ित बच्ची व आरोपी ट्यूशन संचालक को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया है। कटारा पंचायत से एक रेप की घटना सामने आ रही है, क्या कुछ है मामला? इसमें आवेदिका के द्वारा आवेदन दिया गया, आवेदन पर हम लोग जाँच में गए तो सही पाया गया, जिस दरमियान अभियुक्त को हम लोग गिरफ्तार किए, जिसका नाम है मनीष कुमार, पिता का नाम है दयानंद यादव, कटहरा वार्ड नंबर 9 का, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिए, आगे कार्रवाई हो रही है। समाज में छिपे ऐसे दुष्कर्मियों के प्रति आपकी क्या राय है? ऐसे अपराधियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज के साथ। सहयोगी सुमित जायसवाल के साथ आशीष कुमार सिंह। साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।